नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी बोकारो। कायस्थ महापरिवार बोकारो जिला द्वारा चास गर्गा पुल के पास भारत चीन सीमा पर गलवन घाटी में शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया, साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ साथ VVL श्रीवास्तव, अशोक कुमार सिन्हा, RR वर्मा, संजय कुमार, रतन कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे। भारत चाइना बॉर्डर पे जो हमारे निहत्थे सैनिकों पर वार किया गया, चापलूसी से मारी गई, छल किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने यह कार्यक्रम को रखा है और हम लोग पूरे सैनिक के साथ में और चाइना के अगेंस्ट में खड़े हम लोग हैं और उन लोगों को दिखा देंगे कि हमारे सैनिकों में कितनी शक्ति है और पूरे चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका सबका हम विरोध करें। बैनर है हमारा नाम रतन कुमार सिन्हा, चास महापरिवार से हम सलाहकार हैं। अभी हम लोग बोकारो जिला कायस्थ महापरिवार के तरफ से वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और ये कार्यक्रम हम लोग चाइना के विरोध में हम लोग हैं खड़े। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट है हम लोग उसका बहिष्कार करें, यही देश की जनता से आह्वान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता जी। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत ही दुखद घटना के प्रति बोकारो जिला कायस्थ समाज के द्वारा जो आज चाइना के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है, गलवान घाटी में हमारे वीर शहीदों के प्रति हम समूचे एकमत होकर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। दुख की इस घड़ी में समूचा कायस्थ जिला कायस्थ परिवार सभी सैनिकों के परिवारों को संबल और स्वस्थता प्रदान के लिए ईश्वर से आकांक्षा कामना करता है और हम सभी बोकारोवासी कायस्थ परिवार के सभी सदस्यगण हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए हम उनके साथ खड़े हैं और चाइना के कायरतापूर्ण इस घटना के विरुद्ध में रोष जताते हुए आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं और भारत माता के जय घोष के साथ यह कार्य किया जाएगा और समूचे भारतवासियों से एकजुट होकर चाइना के बहिष्कार के लिए हम आराधना और कामना के साथ उनसे शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।